तो हमने अभी लंदन की ट्रिप चालू की है और आज से लंदन ट्रिप चालू हो रही है। कल हम लोग वेल्स में थे, आज इंग्लैंड में हैं और आज से लंदन ट्रिप चालू हो गया है। तो फर्स्ट डे है आज हमारा, तो आज हम जाएंगे लंदन आए और इस तरफ फिर ऐसा ऐसा अपडेट करेंगे। बाय। अभी हम शतम बस स्टॉप पे है और यहाँ से अब हम मंदिर की नाई की बस पकड़ी है और जाएंगे लंदन आए। यह है शतम का बस स्टेशन, यहाँ से नॉर्मली बसेस चेंज हो जाती है दूसरी जगह पे जाने के लिए। और ये जो है लंदन की बसेस, ये सारी लंदन की बसेस हैं अलग अलग नंबर की। तो फिर अब हम सब खड़े हैं यहाँ पर बस के वेट करने के लिए, और जैसे ही 159 बस आएगी तो, और ये 24 आवर्स चालू रहती है 159 बस, देखिए। यहाँ पे आपको एक बार जो है ऑस्ट्रा कार्ड में आप पैसे अपलोड करके जो है वो बसेस में जाना होता है और टच करना पड़ता है। वो इस तरह का कार्ड होता है, इस तरह का बस कार्ड होता है, ऑस्ट्रा कार्ड बोलते हैं जिसे, और वो उसमें आप पैसे लोड करके हर एक जहाँ पे जाना है वो आपको टच करना पड़ता है। तो इस तरह से, तो ये अभी शतम एरिया है जो लंदन का है। जैसे हम बस के लिए वेट कर रहे हैं और फिर जैसे बस आ जाएगी हम जो है लंदन के लिए जाएंगे। तो ये रहा लंदन आई, और थोड़ी देर के बाद जो है हम लोग लंदन आई जाएंगे सारे बच्चों के साथ में। फिलहाल हम अभी रुके हुए हैं ब्रिज के ऊपर, ये लंदन ब्रिज नहीं है, और मैं पहले आपको बताया ये है बिग बैंग और ये है इनकी नेशनल असेंबली, जो भी यूके में लॉज बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, जो इनका पार्लियामेंट भी है। आगे भी जाके मैं आपको शूट करूँगा, अभी फिलहाल तो ये है और अब जाएंगे हम लोग लंदन आएंगे। ये जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है लंदन में, जो आज हम कुछ टूरिस्ट प्लेस कवर करेंगे, बाकी जो है वो कल करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसेस है और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा। ये जो आप सामने बोट देख रही है, ये बोट राइड भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे 43 पाउंड का एक पैकेज होता है जिसमें आपको बोट राइड और लंदन आई जो है वो दोनों आप कवर कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं लंदन आईज के पास, यहाँ पे बेकरीज है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स के भी जगह हैं यहाँ पर। साथ में अच्छी अच्छी कुड़ियाँ भी आपको देखने मिलेगी। यह है सिटी हॉल, यहाँ पे श्रेक का है। फिश एंड चिप्स यहाँ की बहुत एक कॉमन खाने की चीज़ है, वो आपको सस्ते और सुगड़ी सस्ता फूड जो है वो आपको मिलेगा, फिश एंड चिप्स। इसका मूवमेंट काफी स्लो होता है, ये पूरा राउंड लेने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए।
कैसे मिलेगा क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते यहाँ से आप मिलेंगे इस बिल्डिंग में। एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर तो थोड़ा सा हमें वक्त था और लंदन आइस के लिए जाने के लिए, तो हमने सोचा कि थोड़े से हम कॉफ़ी पी लें। तो हम यहाँ पर आए हैं काउंटी हॉल जो ये लंदन का यहाँ पे स्टारबक है, तो सोचा है चलो हम स्टारबक पी लेते हैं और थोड़ा सा मौसम का मज़ा भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको लंदन आई की जो कैबिन्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। बस अभी थोड़ी देर में जो है हम लोग जो है लंदन आइस में जाएंगे और फिर मैं आपको जो है लंदन आइस से वहाँ के जो बाजार हैं वो वहाँ से दिखाऊंगा। और मैं अब लंदन आई की कैबिन में आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा वॉशरूम में चला गया था तो बच्चों लोग आगे निकल गए, मैं दूसरे अकेला भी इस कैबिन में हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो हम जो है कैबिन का मज़ा लेते हैं। ओके, बाय बाय। यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव भी होते हैं, तो चलो हम देखते हैं लंदन आई के अंदर से। अभी मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से लंदन दिखाता हूँ। And welcome to the lastminute.com London Eye. Are you ready to be part of London's skyline? Whilst you're enjoying the amazing views, the ride might stop briefly at times just to help other guests get on. This is totally normal. मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। यहाँ पे मौसम का कुछ बोल नहीं सकते, कभी बारिश होगी और सडनली धूप भी निकल जाएगी। हम एक चक्कर मार के शायद नीचे उतर जाएंगे और फिर थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको धूप भी मिल जाएगी। यहाँ के मौसम का बहुत डाइसी होता है यहाँ का मौसम। जैसे मैंने कहा था कि व्हील जो है काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है इसका, ये आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर जाएगा और फिर आपको ऊपर से काफ़ी बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। Thank you.
आपको सामने देख सकते हैं ऑफिस है और पार्लियामेंट हाउस है, और यहाँ पे ज़्यादातर हर थोड़ी देर के बाद एक ब्रिज आपको मिलेगा। इसमें आपको लंदन ब्रिज, लोली ब्रिज, विलियम ब्रिज, टावर ब्रिज, ये सब मिलेंगे इसमें। तो ऐसा सारे जैसे ये सामने जो है वो पार्लियामेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था। नीचे आ रहे हैं, बस हमारी राइड अभी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैंने पिक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड किया हुआ जल्दी जल्दी। यह काउंटी हॉल और यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऑफिस ही ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि ये बेसिकली कमर्शियल एरिया है और ज़्यादातर यहाँ पे आपको बड़े बड़े ऑफिस मिलेंगे। और हम अभी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ गए। अभी हमारे जो कैबिन्स के डोर जो है वो खुल जाएंगे। आई होप कि आपको ये राइड पसंद आ गई होगी। जब भी आप आए लंदन तो लंदन आई का मज़ा ज़रूर लेना। अभी बच्चों के लिए हम आइसक्रीम ले रहे हैं, फिर आइसक्रीम लेकर फिर अभी हम आगे जाएंगे। यहाँ पर जो है हर एक आर्टिस्ट जो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक एक आर्टिस्ट जो है वो अपना हुनर दिखाते रहते हैं। जैसे ये बंदा जो गाना गा रहा था, और अब यहाँ पे जो है आई थिंक कुछ और चल रहा है। So the chain's fine. In a minute, I'm going to ask you to wrap the chain around me, and I'm going to try to escape. Are you happy to do that? Seems very happy to do this. Yeah, probably the magic show dikhaya ja raha hai. Please drop the chain down for a second. And also, everyone, just to make things a bit more difficult, do you want to see something difficult? सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और मैंने कहा था कि यहाँ पे मौसम पर कुछ भरोसा नहीं है। अब देखो कितनी अच्छे से धूप निकली है। ये जो है और जो वाइट कलर के में जो दिख रहा है इसको गोल्डन जुबली ब्रिज कहते हैं। Stop.
साउथ बैंक सेंटर साउथ बैंक की यूनिवर्सिटी है साउथ बैंक सेंटर की। तो आज जो है वो ग्रेजुएशन डे चालू है, तो सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ में जो है पिक्चर्स निकाल रहे हैं। ये ग्रेजुएशन डे इसका अभी साल चल रहा है। ये साउथ सेंटर बैंक का यूनिवर्सिटी है जहाँ पे और ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि कॉलेजेस ख़त्म हो गए हैं और सब जगह पे जो है ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो रहा है, आप बंदों को देख सकते हैं ऊपर अपने बच्चों के साथ में खुशियाँ मनाते हुए। यहाँ पे साउथ बैंक सेंटर की लाइब्रेरी भी है जो काफी फेमस है। अमिताभ बच्चन का जो गाना था और जो यहाँ पर ही शूट हुआ था, वो पिक्चर जो थी जब तक है जान, वो उसके सारी शूटिंग जो है वो इसी जगह पे भी है सर। तो ये भी पूरी पिक्चर का एक सीन जो है इसी एरिया में दिया हुआ है। सिनेमा कैफे ये एक अंडरपास है और आप यहाँ से सीधे सीधे आप जा सकते हैं। और ये ब्रिज के नीचे इन्होंने सारी हिस्ट्री पेंट की हुई है, एक्चुअली टाइल्स के ऊपर पूरी हिस्ट्री बताई हुई है और ये ब्रिज के बारे में कैसा कंस्ट्रक्ट हुआ था, कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे ब्रिज के नीचे उन्होंने दी हुई है। Yeah.
आर्ट गैलरी है, द मॉडर्न आर्ट गैलरी का बिल्डिंग है। यहाँ पे ज़्यादातर सारे आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो ये अगर रिन्यूअल है थोड़ा सा उसका। ये जो है मिलेनियम ब्रिज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट एक एक अपना हुनर बताते रहता है। तो ये बंदा भी देखो कितनी अच्छी तरह से जो है बबल्स बना के बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। अगर दुनिया में आपको खुशी देनी है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। ये पैसे कमाने का तरीका नहीं, एक तरह क्या, चलो पैसे भी है और साथ में जो है आप बच्चों को खुशियां बांट रहे हैं एक बबल्स से। और एक चीज़ करने से आप कितनी मुस्कुराहटें ले रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। बंदे को ट्रैवल करना है, सपोर्ट करो उसे। आप यहाँ पे जाके भी उसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये बंदे का इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है। टावर इन यू लंदन और आगे जो है टावर ब्रिज है। मैं तेरी मम्मी के पास जा ले, मम्मी से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हम चल रहे हैं मिलेनियम ब्रिज पे। शाम का वक्त हो चुका है, हम 6:30 हो गया। सूरज यहाँ पे 9 बजे तक डूबता नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ऊपर है। नाइस डॉगी। London school. Come. Okay.
अब हमें सेंट जॉर्ज जाना था बट अभी पता चला है कि वो ऑलरेडी क्लोज हो गया, तो हमें अंदर जाने का मिलेगा नहीं। इंशाल्लाह फिर वापस से इस तरह का रुख करेंगे तो हम लोग ज़रूर सेंट जॉर्ज चर्च में जाएंगे। सिटी लंदन ब्रिज स्कूल है, सिटी ऑफ लंदन स्कूल। तो अभी चर्च बंद होने की वजह से आप देख सकते हैं चर्च बंद हो चुका है, चर्च बंद हो चुका है और अभी अंदर नहीं जा सकता है। तो हम जाएंगे, ये है लंदन टैक्सी, तो हम जाएंगे अब यहाँ से घर। रुक रे, वह फोकस में कैमरा है यार। ये पूरा सोल्जर्स यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जितने भी सोल्जर्स जो है ब्रिटिश एम्पायर के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए उनके नाम से ये मोन्यूमेंट्स बनाया हुआ है। और ये है सेंट जॉर्ज चर्च, अब बंद हो चुका है, हम अंदर जा नहीं सकते हैं। देखें अंदर से देखने का मुझे हमें मौका नहीं मिला। लंदन में आपको पुरानी बिल्डिंगें काफ़ी मिलेंगी, तो हम अभी बस स्टॉप पे आए हैं, यहाँ से बस लेंगे 76 और फिर वहाँ से जाएंगे लोअर पार्क लोअर ब्रिज, फिर वहाँ से फिर हम दूसरी बस लेंगे और जाएंगे ब्रिस्टन, और ब्रिस्टन से फिर हम जाएंगे गॉर्डन। बैटरी लो है, और हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज की दिन की जर्नी अब होती है ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर, घर जाके भी आराम करेंगे, फिर बाद में मिलेंगे आपसे। गुड बाय।